नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, करनाल शहर को बड़ी सौगात मिलने वाली है, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज वो दिन आ चुका है। और देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक बसें जो कि करनाल के अंदर शुरुआत की जा रही है, और आज इसकी शुरुआत हो रही है। बता दें तो सांसद संजय भाटिया जो है इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और इसके इनॉग्रेशन पर इसके मुहूर्त जो है आज किया जा रहा है। और देख सकते हैं कि आज एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है करनाल के ही पुराने बस स्टैंड के पास ही। और बता दें तो सांसद संजय जो भाटिया हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और साथ ही साथ बता दें तो जो मुख्यमंत्री हैं वो हरी झंडी जो है इसे दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं लाइव, जो देख सकते हैं लाइव कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर इसकी हरी झंडी जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिखाई जाएगी। और फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, और बसों के अंदर क्या कुछ सुविधाएं हैं वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं और दोबारा भी ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज फिलहाल जो कार्यक्रम है यहाँ पर उसकी शुरुआत जो है फिलहाल कर दी गई है। और जो सांसद संजय भाटिया आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जल्दी ही जो है इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। और जो करनाल को मिलने वाली जो एक बड़ी सौगात है, जिसमें 5 बसें जो हैं इलेक्ट्रिक बसें एसी बसें, वो आज यहाँ पर ज़रूर उन्हें तैयार कर दिया गया है। देख रहे हैं उन्हें सजाया गया है फूलों के साथ, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से बता दें तो इसके सारे फीचर्स हम आपको बाद में ज़रूर दोबारा से हम बताएंगे। करनाल शहर ज़रूर उन्हें ध्यान से देखें, सभी लोग उसे ध्यान से देखें, क्योंकि ये 50 की तादाद में करनाल में आने वाली हैं। अभी 5 आई हैं और जल्दी ही 45 बसें और आ जाएंगी, कुल 50 बसें करनाल शहर को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है लाइव प्रसारण के जरिए जुड़कर आज इन सभी इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उनका शुरुआत यहां पर करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर सभी जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ जो सामने तस्वीरों में देख सकते हैं जो सांसद संजय भाटिया, योगेंद्र राणा और करनाल के जो नए डीसी हैं वो यहां पर देख सकते हैं, और रेणुबाला गुप्ता और मुख्यमंत्री प्रतिनिधि, वो सभी यहां पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और जल्दी ही इन सभी बसेस को यहां पर शुरू किया जाएगा। सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी कुछ योजनाओं की जानकारी भी जो मुख्यमंत्री है वो लाइव प्रसारण के जरिए लोगों को देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सांसद संजय भाटिया इस समय तस्वीरों में शुरुआत करते हुए, जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी लाइव प्रसारण के जरिए इसकी शुरुआत की, सबको बधाई दी। और सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि 7 दिन तक बिल्कुल ये बस सेवा फ्री रहने वाली है। जी हाँ, पंचकुला और करनाल शहर को ये मिलने वाली सौगात, इलेक्ट्रिक बस की सौगात, और 7 दिन तक कोई भी जो किराया है वो अब सवारियों को नहीं देना होगा, और 7 दिन तक बिल्कुल निशुल्क ये बस सेवा दी जा रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर शुरुआत करते हुए सांसद संजय भाटिया तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और करनाल वासियों के लिए काफ़ी खुशखबरी भी है, और कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और NGT के सारे नियमों को भी मानते हुए जो ये लग्जरी बसें हैं आज उनको हरी झंडी दिखाई जा रही है, और करनाल के तमाम अलग अलग जगहों पर जो रूट्स होंगे उन सभी रूट्स को यहाँ पर किस तरीके से फॉलो करना है इसके लिए भी मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया जो है वो इस समय हरी झंडी दिखाते हुए सामने की ओर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक बस तस्वीरों में, और यहां से कर रहे हैं शुरुआत, और काफी समय से इसका इंतजार चल रहा था। बता दें तो करनाल शहर के अंदर लगभग काफी समय से ये 5 बसेस जो हैं वो पहुंच चुकी थी, लेकिन इंतजार था कि आखिर किस दिन ये चलेंगी, और आज इनकी शुरुआत हो रही है। अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के पुराने बस अड्डे से, और जहां पर ये बस देख सकते हैं ये आ चुकी है, और इसके अंदर भी फिलहाल दाखिल होकर देखेंगे कि आखिर बस में क्या कुछ है। देख सकते हैं इसकी शुरुआत यहां पर रिबन काटकर की जा रही है, और देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया जो है वो रिबन कट करते हुए और इसके अंदर फिलहाल दाखिल होते हुए देख रहे हैं। अंदर की ओर जाकर सभी जो ये देख सकते हैं अंदर इस समय अंदर यहाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं,
और फिलहाल देख रहे हैं कि आखिर ये बस कैसी है और किस तरीके से यहाँ पर उन्हें ये जो बस है वो उनसे बात करेंगे आखिर उन्हें इस बस में बैठकर कैसा लगा। फिलहाल देख सकते हैं काफी ज्यादा संख्या में लोग जो हैं इसके अंदर बस में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन यार पीछे से दर्पण देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया अभी यहां पर बैठे हुए हैं और लोग लगातार अंदर की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं जो मेयर है रेणु बाला गुप्ता वो भी यहां पर देख पा रहे हैं तस्वीरों में, सांसद संजय भाटिया इस समय देख पा रहे हैं और खूबसूरत बस है और चलो पिछला दरवाजा खुलवा दो वहां से चढ़ जाएंगे लोग। तो देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया इस समय पहली सीट पर बैठे हुए हैं और कैसा उन्हें भी अनुभव हो रहा है उनसे भी हम जरूर जानेंगे। देख सकते हैं रेणुबाला गुप्ता भी तस्वीरों में और काफी ज्यादा भीड़ जो है वो बस के अंदर इस समय देख रहे हैं आप। तो आप देख सकते हैं जो सभी फिलहाल यहाँ पर अधिकारी भी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं, आमजन भी देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं ये देख सकते हैं और इधर भी लोग बैठे हुए हैं। कैसी सीट लग रही है बैठने में? बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है। देख सकते हैं लोग भी यहाँ बैठे हैं, लोगों से जानकारी जरूर हम ले रहे हैं। और हाँ जी अंकल कैसी लग रही है सीट, बहुत बढ़िया सीट लग रही है, बहुत अच्छी बस है, आरामदायक है, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है, मजा आ गया आया तो मजा आ रहा है। एसी भी है? हाँ सब कुछ है, सब कुछ है। जी कैमरा है, कैमरे के मुझे एसी है, सात कैमरे बता रहे हैं। हाँ सुविधा है और माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब का संजय भाटिया जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हमारे को ऐसी ऐसी सुविधा मिली, हम परेशान नहीं होंगे, न हमारे कोई वृद्ध आदमी है वो परेशान होगा, बैठने के लिए पूरी सुविधा है और किराया है नाम मात्र है। 10 रुपए से किराया शुरू बता रहे हैं, 10 रुपए से शुरू है। हाँ हाँ जी, तो नाम मात्र का किराया है और एक जैसे जो प्रदूषण है उसका लाभ मिलेगा, इसलिए हमारे को इस बस का पूरा खट्टर साहब का धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रॉब्लम को देखते हुए ये अपनी शुरुआत करी है, पानीपत में कर चुके हैं, करनाल में हुई है, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं जो लोग हैं उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। सामने की ओर सांसद संजय भाटिया हैं, जरा एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देख सकते हैं ये बाहर का नजारा आप देख रहे हैं, फिलहाल बाहर लोग हैं और अंदर इस समय बस के हम मौजूद हैं और बस काफी स्मूथ है, आपको बता दें काफी आरामदायक है, कोई शोर नहीं है बस में, इंजन ही नहीं है क्योंकि इसमें मोटर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं और काफी लग्जरी बस है, ये लागत भी काफी अच्छी है बसेस की और ये देख सकते हैं लोग यहाँ पर सफर करते हुए बता दें तो। अंकल क्या बताएंगे, 7 दिन जो है ये पहले फ्री सफर रहने वाला है, इसमें फ्री सफर के जर लोगों का टेस्ट बन जाएगा आने जाने के लिए, था पता लचैन था कि ई रिक्शा से बेहतर ऑप्शन है, ई रिक्शा तो एक क्लेश बन चुका है लोगों का आने जाने, बदमाश लोग लुच्चे आदमी ई रिक्शा चला रहे हैं, पुलिस उनको कुछ नहीं कहती, हम ई रिक्शा इतने परेशान से, परमात्मा ने हमारी सुनी है, ये मुख्यमंत्री महोदय ने जो आज तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने ऐसी सोच हो, इसकी साधारण सोच हो, गरीब आदमी सोच हो, लोगों के आराम के लिए क्या हो, परमात्मा हमें प्रभु आगे प्रार्थना करते हैं कि श्री मनोहर खट्टर जी को इतनी लंबी आयु और तंदुरुस्त रखे और हमारे हरियाणा को चार चांद लगाए रखे। बिल्कुल और जो सांसद संजय भाटिया जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और बता दें तो इस समय देख सकते हैं जो सभी अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर बस का आनंद उठा रहे हैं और साथ में जो आमजन है वो भी पीछे बैठे हुए हैं, जिनसे हमारी बात हुई है सभी ने काफ़ी तारीफ की है बस की। और बता दें तो इस समय एसी भी फुल जो है इसमें चला दिया गया है, बस की अगर रेंज की बात करें तो बता रहे हैं एक चार्ज पर 160 किलोमीटर ये सफ़र तय करेगी और इसके अलावा बस में 7 कैमराज दिए गए हैं, 7 कैमरों में पूरी सुरक्षा है। और सामने की ओर देख सकते हैं समय भी लिखा हुआ है कि आखिर समय कितना हुआ है,
और यानी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल यहाँ रखा गया है। ड्राइवर के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और सांसद संजय भाटिया भी देख रहे हैं, वो आगे की ओर सफ़र करते हुए आप देख रहे हैं बस के अंदर। पूरे शहर में ये बस इस समय घूम रही है और पूरे करनाल वासियों को भी एक ज़रूर संदेश मिल रहा है कि उनके शहर के अंदर अब इलेक्ट्रिक बस जो है वो आ चुकी है, अब ई रिक्शा से बेहतर ऑप्शन उनके लिए रहने वाला है। तो सांसद संजय भाटिया हमारे साथ में, सर कैसा लग रहा है बस में सफ़र कर रहे हैं आप? मुझे लग रहा है आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरे करनाल के मेरे भाई बहनों को एक इतनी अच्छी एयर कंडीशन और बहुत ही इकोनॉमिकल सिटी बस सर्विस मिली है। इसमें मेरी बहनें भी, मेरी बेटियां भी, मेरी माताएं भी बहुत सुरक्षित तरीके से यात्रा कर पाएंगी। और लोगों का रिएक्शन कैसा लग रहा है बाहर जो देख रहे हैं? लोगों का मैंने देखा, अभी एक प्रवासी बंधु थे, वो अपने बच्चों के साथ और उनके ई रिक्शा में बैठ रहे थे, तो मैंने उनको इशारे में ही कहा, मैं कहा ये बस में आपने बैठना है, वो बहुत खुश हो गया, कहता हाँ जरूर। पूरे लोकसभा को मिल चुकी है पानीपत, पानीपत में तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी आए थे और पानीपत का अनुभव तो बहुत अच्छा आ रहा है। मैंने खुद अभी कल एक ड्राइवर से टोल के ऊपर खड़ा था बस का सवारी के लिए और एक बिटिया उसमें जो थी, मैंने उनसे भी बात करी, वैसे मेरे पास टाइम था 5 मिनट का, तो मैंने उनसे बात करी, वो बहुत खुश थे, कहते बहुत तो सेफ जर्नी है, कोई शोर नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो बड़ी स्मूथ चलती है, लोग बहुत खुश हैं। और जो इस तरह से कुछ लोग गलत, मैं सबके लिए नहीं कहूँगा, कुछ लोग सवारी को ब्लैकमेल भी करते थे, 20 रुपए के किराए का 50-50, 40-40 मांग लेते थे, आज उसी से भी लोग बच रहे हैं, खुश हैं। तो 7 दिन फ्री रहने वाली है? हाँ, 7 दिन फ्री रहने वाली है। कॉलेज जाती थी काफी परेशान होती थी, अंडर कैमरे के अब वीडियो के लिए ज्यादा 7 कैमरे दिए गए, बहुत सेफ है। और मैं अभी मैंने बात करी, एक मेरे को स्टूडेंट मिली बच्ची, मैं वो स्टूडेंट से पूछा, उनका पास उसमें अलाउड नहीं है, तो मेरे मन में एक पॉइंट है, मैं आज अभी इस कार्यक्रम के बाद शिवरात्रि का कार्यक्रम है, शोभा यात्रा, मैं ब्रिज गुप्ता जी के साथ रहूंगा उसमें, और उसके बाद मैं सीधा चंडीगढ़ जा रहा हूँ, और जो मैं 5-4 हालांकि साहब ने बुलाया कुछ काम के लिए, लेकिन मैं इस पॉइंट पे मैंने ये भी नोट कर लिया कि हम जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ हम मेरे माइंड में है, देखो क्या इजाजत मिलती है कि नहीं मिलती। मैम आप क्या कहना चाहेंगे बस के बारे में, आपने सफर किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये महाशिवरात्रि पर और विशेष तौर पे महिला दिवस पर ये सौगात शहरवासियों को दी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये पुली ऐसी बस है जिसमें एक आरामदायक स्थिति में व्यक्ति एक शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सांसद जी स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लोगों का जिस तरह से उनको अभिवादन मिल रहा है, एक प्यार मिल रहा है, उसके लिए भी मैं लोगों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अभी हम यहाँ से इसी बस के माध्यम से महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जब मंदिर में पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी जिस तरह से सिर्फ 10 रुपए में जो है इसकी शुरुआत हो रही है इसके किराए की, बिल्कुल बहुत नॉमिनल रेट है और बहुत बहुत अच्छी सर्विस यहाँ से मिलने वाली है जी। और फिलहाल आप देख सकते हैं जो सांसद संजय भाटिया यहाँ पर सफर करते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता जो है उनके साथ में और सभी पीछे जो अधिकारी हैं देख सकते हैं जो वो भी, तो आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें। देख सकते हैं अभी यहाँ पर आज महाशिवरात्रि का शुभ पर्व है और सांसद संजय भाटिया मंदिर में जाकर जो है पूजा भी करने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया इस समय रघुनाथ मंदिर की ओर उतर रहे हैं, देख सकते हैं रघुनाथ मंदिर ये बस पहुँच चुकी है और देख रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए मंदिर में सभी लोग जो है उनके ऊपर फूलमाला जो है वो फूल फेंकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग देख सकते हैं उनका स्वागत और सामने आप देख सकते हैं जो पहुंच चुकी है रघुनाथ, तो ब्रिज गुप्ता आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर और देख सकते हैं सांसद संजय भाटिया इस समय देख पा रहे हैं वो किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है और सामने रघुनाथ मंदिर तस्वीरों में देख रहे हैं जहाँ पर ये शिवरात्रि के पर्व पर आज यहाँ पहुँचे हैं इसी इलेक्ट्रिक बस के अंदर और देख पा रहे हैं तस्वीरें। सभी से निवेदन वीडियो को शेयर करें और करनाल शहर में अब सभी लोग पहले 7 दिन बिल्कुल निशुल्क सफ़र करें, इस बस का लुत्फ उठाएं, मज़ा उठाएं और फिलहाल काफ़ी खूबसूरत इस बस का जो आनंद है वो अब सभी करनाल वासियों को मिलने वाला है। सभी से निवेदन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।